ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का आगमन होता है। पदार्पण किया है देव ऋषि नारद ने। ऋषि नारद कचहरी लगी थी, तब तक ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद ने मथुरा नगरी में पदार्पण किया। कंस के जैसे ही राज दरबार में आए, कंस ने आता हुआ देखा बाबा नारद को, सिंहासन से उठ बैठा, चरणों में अपना माथा रख दिया और सर झुका करके मस्तक रख के प्रणाम किया। आइए बाबा, मथुरा नगरी में भोजराज कंस के इस दरबार में आपका स्वागत है, आपके चरणों में कंस का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव बाबा। हाँ, बड़े दिनने में फेरी लगाई। फेरी क्या, आज मेरे दिल में विचार आया कि आपके पास चलें और आपके पास देखें क्या कारोबार हो रहा है, कैसे समय व्यतीत हो रहा है। बाबा सब कृपा है आपकी। कृपा तो है, लेकिन मुझे आप ये बताओ। हाँ, आपका चित्त प्रसन्न है? हाँ, चित्त तो प्रसन्न है। ठीक हो आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा महाराज। हाँ, आप बताइए आप कैसे, कुशल मंगल है ना? नारद के लगे कंस, जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा हो, जो भगवान का भक्त हो, उसके सामने भला कौन सी व्याधा आ सकती है। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अपनी बताओ। हम तो ठीक हैं, क्या बताएं, बताने के लायक नहीं है। समझा नहीं। देव ऋषि नारद के लगे कंस, हाँ, जब हम पहले आया करते थे तो आपके अंदर आदर भाव कुछ अलग था और आपके मुखमंडल पे तेज चमक रहा था, लेकिन अब तो धीरे धीरे तुम कमजोर होते चले जा रहे हो। क्या बताएं बाबा, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको किसी रोग ने आकर के दबोच लिया। यही बात है। देखो देखो कंस। हाँ कंस, एक बात बताऊं, रोग और दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर तुम्हें रोग हो गया है तो अच्छे वैद्य से परामर्श लेकर के और इलाज करवा। अगर किसी शत्रु की शंका है, किसी दुश्मन की शंका है, तो तुम्हारे पास तो विशाल दानवों की सेना है, हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। लेकिन अब तुम्हारे चेहरे की रूहानी बदल गई, अब तो तुम्हारे गाल भी पिचक गए, आंखें गड्ढा में जा रहे, क्या बात है कंस? पूछ बैठे ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद।
बताओ, हमें छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम तो तुम्हारे शुभचिंतक हैं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति मुसीबत है तो कृपा करके आप बता दो। बताना तो पड़ेगा ही। देवर्षि नारद हे बाबा, हाँ वृंदावन गोकुल की तरफ कभी देखा निहार करके? बाबा नंद माँ रोही वसुदेव कंस, हाँ मैं समझा नहीं बाबा। हाँ आपने देखा होगा वृंदावन में जो नंद नाम का आईर है उसके दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम। देवताओं का कहना है कि वो हमारे काल हैं, इसलिए मेरा चित प्रसन्न नहीं है बाबा। कंस कहने लगा बा देव ऋषि नारद, तुमने वृंदावन मथुरा में तो पदार्पण किया है, लेकिन कभी गोकुल वृंदावन की तरफ दृष्टि डाली? जो नंद नाम का ग्वाल गमार है, जाकी नारी जसोदा जब मथुरा में दही बेच बेच के बूढ़ी हो गई, और अब लोग उसे बहुत पैसे वाला बताते हैं। नारद कहने लगे तो तुम्हारी काय को नानी मरी जा रही? अरे काऊ ने मेहनत करके दो पैसा जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए, तो तुम क्यों मरे जा रहे? उसी समय कंस कहने लगा बाबा बात वो नहीं है, बात कुछ और है। क्या? उसी नंद नाम के ग्वाल गमार दो छोरा कृष्ण बलराम हैं। ज्योतिषी विद्वानों का कथन यही है कि कंस वही तुम्हारे काल है। नारद हंसने लगे, वाह भाई वाह, कंस समझ गए, हम तो तुम्हें बहुत बड़ा सूरवीर समझते थे, लेकिन आप तो बिल्कुल कायर निकले। अरे तुम्हारे जैसे योद्धा को ऐसी बात करना शोभा नहीं देती। आप तो इतने बड़े सूरवीर हो, दुनिया के लोग तुम्हारे नाम से दहशत मानते हैं, और तुम जरा जरा से बच्चे कृष्ण बलराम से डर गए? ये तो मेरे समझ से बाहर है। और नारद ने समझाया कंस को, कंस कि बोलो तो क्या बंधन होगा we
तुम तो बड़ी गंभीर विषय को लेकर के तुम्हारे मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। अरे तुम तो इतने बड़े योद्धा हो कि तुमसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? अगर केस बलराम तुम्हारे कार है तो तुम्हारे पास दानवों की सेना बैठी है, किसी भी योद्धा को भेज दो, कृष्ण बलराम को मरवा दो। कंस कहने लगा, बाबा सब सब कहियो पर जय मत कहियो। क्यों? बोले तुम कह रहे हो कि योद्धा को भेज दो मरवा दो, हमने कृष्ण को मारने के लिए एक योद्धा नहीं भेजा, ऐसे ऐसे योद्धाओं को भेजा जिस एक एक योद्धा में हजार योद्धाओं का बल था। छल कौशल से भरपूर माया भी बड़े बड़े राक्षस भेजे मगर कृष्ण के ऊपर आंच नहीं आई। किसे भेजा तुमने? बोले पूतना भेजी। पूतना भेजी? हाँ, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, तनाव्रत भेजा, धनुकासुर भेजा, शक्तासुर भेजा, प्रलम्बासुर भेजा, मगर किसी भी दानव ने हमें लौट करके ये नहीं बताया कन्हैया छोटा है, मोटा है, गोरा है, अकाला है, कैसा है। जो भी राक्षस गया वो समाप्त हो गया, लौट के नहीं आया। उसी समय माता बहनों भाई बंधु देवऋषि नाथ कहने लगे, कंस तो हम तुम्हें एक अकल बताएं। बिल्कुल बता। देखो हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हमेशा तुम्हारे हित की बात करते हैं, आप मेरी एक बात मानो तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा कांटा निकल जाएगा। क्या? उसी समय नारद कहने लगे, कंस तुम्हें मेरी बात मानो। क्या?